नासा ने भारत के चंद्रयान 2 मिशन के विक्रम लैंडर के मलबे को चांद पर खोजा तो एक भारतीय नाम की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। वह नाम है 33 साल के शंगमुंगा सुब्रमण्यम की, जिन्होंने नासा द्वारा जारी किए गए फोटो पर स्टडी कर नासा को यह बताया था कि विक्रम लैंडर कहाँ गिरा है। शंगमुंगा सुब्रमण्यम मेडिकल इंजीनियर है जो चेन्नई की एक IT कंपनी में आर्किटेक्ट का काम कर रहे हैं और एक ऐप डेवलपर भी है। शंगमुंगा मदुरई के रहने वाले हैं, लेकिन 12 साल पहले वह चेन्नई में आकर रहने लगे। अपने कॉलेज के दिनों में वह एक बार तिरुवनंतपुरम में इसरो के रॉकेट लॉन्चर सेंटर में गए थे, जहां उन्होंने रॉकेट की लॉन्चिंग देखी थी। तभी से उनके मन में इसको लेकर रोमांच रहा है। चांद पर गिरे विक्रम लैंडर को ढूंढने के लिए शनमुंगा रोज 4 घंटे सर्चिंग करते थे। उन्हें तब बड़ी खुशी मिली जब उन्होंने नासा द्वारा जारी किए गए फोटो में चांद की सतह पर सफेद डॉट दिखा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने लूनर ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के मलबे को ढूंढ लिया है। नासा के दावे के मुताबिक चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का मलबा उनकी टेस्ट साइट से 750 मीटर दूर जाकर मिला। नासा ने सोमवार की रात करीब 1:30 बजे विक्रम लैंडर के इंस्पेक्ट साइट की तस्वीर जारी की और बताया कि उनके ऑर्बिटर को विक्रम लैंडर के 3 टुकड़े मिले हैं। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने विक्रम लैंडर के बारे में सूचना देने की उम्मीद जताई थी, क्योंकि उनका लूनर ऑर्बिटर उसी स्थान के ऊपर से गुजरने वाला था जिस स्थान पर भारतीय लैंडर विक्रम के गिरने की संभावना जताई गई थी। नासा ने इससे पहले कहा था कि उसका LRO 27 सितंबर को विक्रम की लैंडिंग साइट से गुजरा था और उस क्षेत्र की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ली थी।